मोदी के खिलाफ कांग्रेस किसे उतारेगी। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह और आनंद शर्मा दोनों ने ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के संकेत दिए हैं। दिग्विजय सिंह के नाम का प्रस्ताव वाराणसी की स्थानीय कांग्रेस यूनिट ने भी रखा है। दूसरी ओर कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने भी कहा कि अगर पार्टी इच्छा जताती है तो वो मोदी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। लोकसभा की जंग में वाराणसी की सीट पर बिल्कुल नया ट्विस्ट आ गया है। सूत्रों से खबर है कि मोदी के मुकाबले यहां से कांग्रेस दिग्विजय सिंह को उतार सकती है। वहीं खबर ये भी है कि मायावती इस सीट से अपनी पार्टी के बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव लड़ाने के मूड में हैं। कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी यहां पहले से ही मैदान में हैं। सुनिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से जब दिग्विजय सिंह को वाराणसी में उतारे जाने को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा लेकिन इनकार भी नहीं किया। कांग्रेस किसको उतारेगी, ये भी बड़ा सवाल जनता जानना चाहती है। कांग्रेस अपने अपने कैंडिडेट उतार रही है। नहीं, मोदी के खिलाफ बनारस से लोग जानना चाह रहे हैं। पार्टी ने ये कहा है कि किसी बड़े उम्मीदवार को, ताकि एक मैसेज जाए कि आप लोग वॉकओवर नहीं दे रहे हैं मोदी को, तो कौन होगा कैंडिडेट? कांग्रेस पार्टी देगी, जरूर देगी, सोच समझ के। बीजेपी के बाद अब दूसरी पार्टियों की नजर भी पूर्वांचल की सियासत पर है। जाहिर है कोई यहां से कमजोर उम्मीदवार नहीं उतारना चाहता। मकसद सिर्फ वाराणसी की सीट जीतना नहीं है, पूर्वांचल और बिहार की सीटों पर भी कब्जा करना है। शायद इसीलिए मुलायम मैनपुरी के साथ साथ आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के मूड में है। और अब खबर है कि मायावती भी आजमगढ़ के ही पास पूर्वांचल की लालगंज लोकसभा सीट से उतरने की तैयारी कर रही है। आगे हम आपको आजमगढ़ भी लेकर के चलेंगे मेरे सहयोगी सुमित नागपाल के पास, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं वाराणसी। मेरे सहयोगी मौली गंभीर हमारे साथ में मौजूद है। मौली गंभीर, मुझे ये बताइएगा, बनारस के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब से मोदी बनारसिया हुए हैं तब से कांग्रेस किसे अपना कैंडिडेट घोषित करेगी, इसे लेकर के सभी की नजरें टिकी हुई है। खबर यह भी चल रही है कि हो सकता है दिग्विजय सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आनंद शर्मा को घोषित कर दिया जाए। कोई अजय राय के बारे में कह रहा है, कोई राजेश मिश्रा के बारे में कह रहा है, लेकिन फिलहाल अभी बनारस का मूड कहता क्या है? जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे नाम आगे आ रहे हैं। आनंद शर्मा और दिग्विजय सिंह के नाम सबसे ज्यादा उभर कर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, लेकिन लोगों की राय क्या है, सीधा ले चलते हैं आपको लोगों के पास। नरेंद्र मोदी जी का नाम पहले से ही वाराणसी से वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह जैसे नामों को अनाउंस करने के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन अभी आपको लगता है कि सपा से या बीएसपी से या कांग्रेस से जो ये मोदी की लहर है उसको जो है फाइट करने के लिए एक बहुत तगड़ा नाम दे रहा होगा बाकी पार्टी को? जी हैंकम, मैं कैलाश बोल रहा हूँ बनारस से। बहुत तगड़ा नाम देने के लिए देखिए, मोदी जी के सामने ये आपके दिग्विजय सिंह जी हो या कांग्रेस का अदर कोई लीडर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं भी बनारस का ही हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह जैसे नाम या कोई और नाम आए तो मोदी की लहर को वो फाइट करने के लिए कितना ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि कांग्रेस के लिस्ट में पूरी भ्रष्टाचार की लिस्ट लगी हुई है और हम लोग 10 साल से देख रहे हैं। हमारे जितने भी मंत्रालय, मोदी बनाम कैलाश चौरसिया, बनाम सतीश चंद्र मिश्रा, बनाम अरविंद केजरीवाल, और आगे है क्वेश्चन मार्क कांग्रेस की तरफ से कौन। आइए अब आपको आजमगढ़